हे गाइस, कई बार हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना हम व्यवहार करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। इनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। सो दिस इज़ नॉट द वे का मतलब होता है इट इज़ अ वे टू टेल समवन दैट दे आर नॉट डूइंग करेक्टली। ओके, ये तरीका होता है सामने वाले को बताने का कि वो सही से नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको बोलना है कि ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट द वे टू प्ले, दिस इज नॉट द वे टू प्ले। ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू राइट, दिस इज नॉट द वे टू राइट। ऐसे थोड़ी ना व्यवहार करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। ऐसे थोड़ी ना जवाब देते हैं, दिस इज नॉट द वे टू आंसर, दिस इज नॉट द वे टू आंसर। तो ये तो आपने सीखा दिस इज नॉट द वे। और कई बार हमें ऐसे भी बोलना होता है कि यस दिस इज द वे। तो जैसे कि हाँ, इन तरह के सवालों को ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसे सवालों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यस दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब हाँ, यही तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम दिस इज द वे भी यूज कर लेते हैं और दिस इज नॉट द वे भी यूज कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है। नाउ इट्स योर टर्न टू फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग दीज टू, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching, and if you found this video helpful, then please don't forget to share it as well.